बच्चों आज अपन पढ़ेंगे मॉर्निंग उपभोक्ता की बचत पार्ट सेकंड है। कल अपन उपभोक्ता की बचत पार्ट फर्स्ट अपन ने पढ़ा था, उसमें उपभोक्ता की बचत क्या है, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उपभोक्ता की बचत के संबंध में क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं और उपभोक्ता की बचत कैसे हमने डायग्राम्स के माध्यम से अपने बात हुई है, एक तालिका हमने बनाई है कि कैसे हम वास्तव में चुकाने के लिए जो तैयार हैं और वास्तव में जो चुका रहे हैं उसके बीच का अंतर हम दिखा रहे हैं, जिससे हम उपभोक्ता की बचत हमने माना है। आज अपन उपभोक्ता की बचत पार्ट सेकंड में बात कर रहे हैं, तो इसमें एक तो उपभोक्ता की बचत का माप के लिए एक सूत्र है, सिंपल सा मार्शल ने एक सूत्र बताया है, उस सूत्र को मैं यहाँ बताना चाहूंगा, मार्शल के द्वारा दिया गया सूत्र और फिर उसकी उसे समझ में कठिनाइयां और फिर हिक्स और एलन, क्योंकि मैंने कल आपने बात बताई थी कि यहाँ उपभोक्ता की बचत को मार्शल ने यह मानते हुए अपनी व्याख्या दी है कि यह उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता का माप संभव है, उपयोगिता का माप गणनावाचक तरीके से किया जा सकता है। लेकिन एलन और हिक्स ने पहले भी सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के अंतर्गत अपने विरोध दर्ज करवाया था कि उपयोगिता को मापनीय नहीं माना था, उसी तर्ज पे अब नया उन्होंने भी एक वापस नया नियम बताया है उपभोक्ता की बचत का। हिक्स और एलन दोनों ने ही इसके संबंध में मापनीय नहीं मानते हुए एक नया नियम जो उदासीनता वृद्धि से माप का नियम बताया है उसके माध्यम से भी अपन देखेंगे कि उसको कैसे करते हैं। तो उपभोक्ता की बचत का माप जैसे मासिक है उसको मुद्रा के पैमाने में मापनीय माना है, मैंने आपको पहले बताया है। उपभोक्ता की बचत में क्या फार्मूला क्या है, उसमें एक कुल उपयोगिता है, अभी अपने टोटल जो आपको दिखाया था ना डायग्राम का बताया था उसमें 100 टोटल उपयोगिता आपको 100 मिल रही है, फिर 90-80 मिल रही है, फिर 60 मिल रही है, 50 मिल रही है, 40 मिल रही है, वो जो टोटल आपकी उपयोगिता है उसकी बात हो रही है। तो कुल उपयोगिता इसमें से हमें जो कुछ विकल्प की हम टेबल की बात करें तो हमने 6 शेयर की इकाइयाँ ली थी, उन 6 शेयर की इकाइयों से हमें टोटल कितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही थी और उसमें घटाई गई है वस्तु की इकाइयाँ और उस वस्तु की कुल इकाइयाँ, वस्तु की कीमत यानी वस्तु की कीमत और उसकी कुल इकाइयाँ। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो कंज्यूमर सरप्लस लागत टोटल यूटिलिटी माइनस पर यूनिट प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट्स। कल के जो हमने टेबल बनाई थी उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो टोटल 6 सेव हमने कर लिए थे, 6 सेवों से हमें टोटल जो उपयोगिता प्राप्त हो रही थी वो कल से 340-320 रुपये पर लिखी थी और उन टोटल 6 सेवों को प्राप्त करने में हमने कितना त्याग किया है, कितने रुपए चुकाए हैं, तो 20 गुणा 6 120 रुपये हमने चुकाए हैं। तो टोटल ऑफ यूटिलिटी वो जो उसकी आपको उपयोगिता यूटिलिटी जो आप प्राप्त कर रहे हैं, टोटल ऑफ यूटिलिटी माइनस टोटल ऑफ पेमेंट जो आपने निकाला था वो आपने टोटल सरप्लस पाई थी। तो यहाँ वो सूत्र लगाया है कंज्यूमर सरप्लस लागत यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी और रुपीज पर यूनिट प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स, इस सूत्र के आधार पर निकाला था तो हमारी टोटल यूटिलिटी निकल जाएगी। उपभोक्ता की बचत को मापने में क्या क्या कठिनाइयां हैं उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। वास्तव में कठिनाइयां सामने आई है कि मार्शल ने इस नियम की व्याख्या ये कहते हुए की है कि उपयोगिता मापनीय है, उपयोगिता का माप संभव है, लेकिन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने अपनी विभिन्न व्याख्याओं के माध्यम से यह सिद्ध कर दिया कि उपयोगिता मापनीय नहीं है। तो उपयोगिता मापनीय नहीं है तो फिर इस नियम को हम उपयोगिता के मापने के आधार पर कर रहे हैं जो कि कठिनाई की बात है। उपयोगिता वास्तव में मापनीय नहीं है क्योंकि कोई भी वस्तु जैसे हमने कहा है कि किसी एक वस्तु के उपभोग की से मिलने वाली संतुष्टि कितनी होगी, एक वस्तु के उपभोग से मिलने वाली संतुष्टि उतनी होगी जितना कि हम उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए त्याग कर सकते हैं, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। मान लीजिए एक रोटी का भुगतान हम 5 रुपये दे करके रोटी का भुगतान करके हम उस रोटी को खरीदते हैं और उसके उपभोग से हमें मानते हैं कि मिलने वाली उपयोगिता 5 होगी, दूसरी रोटी से भी हमें 5 रुपये देंगे उस रोटी से मिलने वाली उपयोगिता 5 होगी, तीसरी रोटी खरीदेंगे तो उसके लिए भी हम 5 रुपये चुकाएंगे उससे मिलने वाली उपयोगिता 5 होगी, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता नहीं है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कह रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा
ठीक वैसे ही उस वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, जो सीमांत उपयोगिता ह्रास की व्याख्या इसमें आती है। तो वहां वस्तु को खरीदने के लिए कोई कीमत कम नहीं दी जाती, वस्तु को खरीदने के लिए कीमत वो ही दी जाती है, उसमें कोई कमी नहीं है, बल्कि उसके उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता में धीरे धीरे समय समय कमी होती जाती है। इसलिए इस क्रमवाचक दृष्टिकोण को, गणनावाचक दृष्टिकोण को अव्यवहारिक माना गया है और इसी आधार पर ही कहा गया कि उसकी नई कठिनाई है। दूसरा पॉइंट यह है उपभोक्ता की रुचि में अंतर। ये स्पष्ट कहा गया है कि अर्थशास्त्र में एक व्याख्या स्पष्ट है कि ये नियम तभी लागू होते हैं जब उपभोक्ता की आदत, रुचि, फैशन इत्यादि अपरिवर्तित रहे, यानी इनमें कोई परिवर्तन ना हो, लेकिन व्यवहार में उपभोक्ता की बचत में ये परिवर्तन होते रहते हैं, ऐसे परिवर्तन होने से भी उसकी गणना करना कठिन हो जाता है। तीसरा है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति में अंतर। देखिए, हम उपभोक्ता की बचत किसे मान रहे हैं कि किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम क्या चुका सकते हैं और वास्तव में हम क्या चुका रहे हैं। तो उपभोक्ताओं के जो लेवल है, आर्थिक स्थिति है, उसमें बहुत ज़्यादा उछाल उछल है। एक धनी व्यक्ति किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा कीमत दे सकता है, एक गरीब व्यक्ति उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कम कीमत दे सकता है, देने के लिए तैयार हो सकता है। तो इस प्रकार से एक ही वस्तु की दो व्यक्ति, धनी और निर्धन, अलग अलग कीमत देने के लिए तैयार होंगे, जबकि उसकी कीमत बाजार में सेम है, वही है। तो वो जो डिफरेंस आ रहा है उससे हमारे उपभोक्ता की बचत निकालने में कठिनाइयाँ महसूस होंगी। हालांकि यद्यपि अर्थशास्त्र में माना गया है कि हम ऑन एन एवरेज औसत के आधार पर कि धनी व्यक्ति क्या पे कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति क्या पे कर सकते हैं, मिडिल क्लास व्यक्ति क्या पे कर सकते हैं, और उनका औसत निकाल करके हम उपभोक्ता की बचत निकालेंगे, ऐसा कहा गया है। लेकिन फिर भी इसमें भी कठिनाई महसूस की गई है। अनिवार्य आवश्यकताओं के संदर्भ में, अब अनिवार्य आवश्यकताएं क्या है, जैसे पानी आपके लिए बहुत जरूरी है, जीवन अगर आपको जिंदा रहना है तो पानी आपको यूज करना पड़ेगा। अगर पानी के लिए हमें आज वाटर से, जैसे मैंने अभी पहले उदाहरण में कल आपको बताया था कि एक महीने का बिल हम 200-400 रुपये पे कर रहे हैं, और वही पानी यदि वाटर रहना बंद कर दे तो उसी पानी को, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए जरूरी है, पानी हमारा अनिवार्य आवश्यकता है, उसी पानी को प्राप्त करने के लिए हमें हो सकता है कि 1000 रुपये देना पड़े, 2000 रुपये देना पड़े। तो ये जो डिफरेंस है, ये इसमें सभी नहीं रहता, क्योंकि वो अनिवार्य चीज़ें हैं, और अनिवार्य चीज़ों के लिए उपभोक्ता किसी भी हालत में कोई मूल्य चुकाने के लिए तैयार हो सकता है, जिसे हम उपभोक्ता की बचत मान रहे हैं। ये थोड़ा सा कड़े करने वाली बात नहीं है, ये कठिनाइयों में महसूस किया गया है। एक मान लीजिए कि हम जीवन रक्षक वस्तुएँ, जैसा कि मैंने आपको बताया जीवन रक्षक वस्तुएँ कौन सी होती हैं, ऐसी वस्तुएँ जिनसे किसी व्यक्ति का जीवन बचाया जा सकता है, किसी प्राणी का जीवन बचाया जा सकता है। तो उस ऐसी वस्तु जिसको खरीदने के लिए आपको हो सकता है, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, कुत्ते के काटने का इंजेक्शन आता है, अगर आप नहीं लगाएंगे इंजेक्शन तो डेथ हो सकती है, आप भी उसके शिकार हो सकते हैं, हो सकता है आपकी जान चली जाए। इसलिए उससे प्राप्त करने के लिए जो भी कीमत बाजार में है हमें वो पे करनी पड़ती है, लेकिन जो भी कीमत दे रहे हैं अगर उसी कीमत में भी हमें अगर नहीं मिल रही है तो उससे ज़्यादा भी हम कीमत पे करने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया है कि जीवन रक्षक चीज़ों के लिए हम जब बचत की बात करते हैं, उपभोक्ता की बचत की बात करते हैं, तो थोड़ी बेमानी लगती है, क्योंकि व्यक्ति मरता क्या नहीं करता वाली बात है, जीने के लिए उसको कुछ भी पे करना पड़ेगा तो वो कर सकता है, इसलिए ये अव्यवहारिक बात लगती है। अब अपन बात करते हैं उदासीनता वक्र विधि से। हेलन जो अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने उपयोगिता के संबंध में बात की थी, उनका मानना है कि उपभोक्ता की बचत का उदासीनता वक्र विधि से माप कैसे कर सकते हैं। उन्होंने इसके संबंध में एक व्याख्या दी है। उन्होंने कहा है कि वस्तु की कीमत, मूल बात है कि वस्तु की कीमत कम है, बचत किसे आप कह रहे हैं कि हम क्या पे कर सकते हैं और क्या पे कर रहे हैं, यानी कीमत हमारी कम है। अब वो कह रहे हैं कि कीमत कम होने के दो प्रभाव पड़ते हैं, क्या प्रभाव पड़ेंगे दो। पहला प्रभाव हिक्स और एलन कह रहे हैं कि पहला प्रभाव पड़ेगा कि पहले यदि किसी वस्तु की कीमत में गिरावट आएगी, कमी आएगी, तो उसके उपभोक्ता पर दो प्रभाव पड़ेंगे। दो प्रभाव क्या पड़ेंगे? पहला प्रभाव हो सकता है कि वह उस वस्तु पर उतना ही रुपया खर्च करना चाहे तो उस वस्तु की कीमत गिरने के कारण वह अधिक वस्तु, अगर मान लीजिए मैं मेरे घर में उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ, मैं फ्रूट्स पे मान लीजिए 100 रुपये खर्च करना चाहता हूँ, और पहले फ्रूट्स का भाव 10 रुपये किलो था
और अब वो भाव गिर करके 5 रुपए के रुपए गिर करके 5 रुपए किलो हो गया। तो मैं 100 रुपए खर्च कर रहा हूँ, ऐसा मतलब मैं 10 किलो फ्रूट्स महीने में मैं लाना चाहता हूँ जिससे मेरे रूटीन में मेरी लाइफ में चलता रहे। अब इसके कीमत गिरने के 2 प्रभाव बताए हैं। पहला प्रभाव तो ये है कि मैं 100 रुपए के जो 10 किलो पहले लाता था, अब 10 की बजाय 20 किलो कीमत 5 रुपए की होगी, तो मैं उतने रुपए खर्च करके 10 किलो की बजाय 20 किलो चीज लाने लग जाऊँ, 20 किलो फ्रूट्स लाने लग जाऊँ, तो मैं मुझे ज़्यादा वस्तु, मेरी हेल्दी लाइफ ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, मेरी लाइफ में अच्छी चीज़ों का प्रवेश ज़्यादा हो जाएगा, ये मान लेते हैं। तो पहला प्रभाव तो क्या है कि कीमत कम होने की वजह से उसी वस्तु की ज़्यादा क्वांटिटी काम में लेना शुरू करते हैं। दूसरा प्रभाव क्या है कि कीमत कम होने के फलस्वरूप उस वस्तु की उतनी ही मात्रा काम में ले जितनी पहले ले रहे थे, और वो जो पैसे बचते हैं उसको हम बचा लें, उससे हमारी समृद्धि बढ़े, उससे हमारी समृद्धि बढ़े, उससे हमारी बचत बढ़े, उससे हमारे अन्य संसाधन बढ़े, उससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। ये 2 प्रभाव बताए हैं। तो ये वस्तु की कीमत गिरने में 2 प्रभाव होते हैं, और दोनों ही प्रभाव ऐसे हैं जिससे उपभोक्ता की स्थिति में सुधार होता है। उपभोक्ता की स्थिति में दोनों में सुधार होता, भले ही वो कम कीमत होने पर वस्तु का अधिक उपयोग करने लग जाए, भले ही वो कम कीमत होने पर उतनी ही वस्तु उपयोग करके अपने आय जोड़ने लग जाए। अब नीचे डायग्राम जो देखा है, ये डायग्राम देखा उदासीनता वक्र विधि के माध्यम से आपने एलन ने जो डायग्राम बताया है कैसे हम उस वस्तु को करते हैं। देखिए यहाँ 0 एक्स एक्सिस में वस्तुओं की मात्रा दिखा रही है, ये वाई एक्सिस में मौद्रिक आय दिखा रही है, ये हमारी कीमत रेखा है, ये IC1 और IC2 ये आपके सामने दिखा रही है। इससे वो व्याख्या आपके बारे में बताऊँ तो इसमें इस चित्र में हमने देखा है कि उपभोक्ता की मौद्रिक आय OA है, तो आपके सामने है, उपभोक्ता एक्स वस्तु के मूल्य से अत्यधिक है, ऐसी स्थिति में वह तटस्थता वक्र IC1 पर P1 बिंदु पर संतुलन से SP1 अथवा AR1 आय को व्यक्त करके OQ+OR1 का सहयोग अपनाता है, अर्थात यह एक्स वस्तु की OQ मात्रा के लिए मुद्रा की SP1 अथवा AR1 मात्रा की त्याग करने के लिए तैयार है तथा अपने पास OR1 मुद्रा की मात्रा रखना चाहता है। अब यदि संयोगवश उसे वस्तु का मूल्य ज्ञात हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में AB उपभोक्ता के मूल्य रेखा से हम बता रहे हैं, यह तटस्थता वक्र IC2 है, इसके IC2 के P2 बिंदु पर स्पर्श रेखा है, जो यह इस बिंदु उपभोक्ता की मौद्रिक आय तथा एक्स वस्तु की मात्रा का नया संयोग प्राप्त होता है जो पुराने संयोग की अपेक्षा अधिक संतुष्टि प्रदान करता है। इसका कारण यह है कि नया संयोग उच्च तटस्थता वक्र IC2 पर स्थित है। इस नए संयोग से उपभोक्ता नए संयोग से उपभोक्ता की OQ मात्रा OR2 मात्रा मौद्रिक आय मात्रा प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार से ये आपके सामने चीज आ रही है कि उपभोक्ता की बचत का पूरा ब्यौरा अगर बात करें तो उपभोक्ता की बचत क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्थिक टर्म है, अर्थशास्त्र की टर्म है कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है। तो इसका आपने इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, इसकी कठिनाइयाँ, इसकी टेबल के द्वारा व्याख्या, डायग्राम्स और मार्शल ने क्योंकि इसको गणनावाचक माना है और एलन और हिक्स नवीन अर्थशास्त्र ने गणनावाचक दृष्टिकोण का विरोध किया है, तो एलन और हिक्स के द्वारा उदासीनता वक्र के माध्यम से इसके बारे में उनकी व्याख्या और वस्तु की गिरने, वस्तु की कीमत गिरने से जो प्रभाव पड़ते हैं उनसे उपभोक्ता की स्थिति में सुधार कैसे होता है, दोनों की बातें व्याख्या की है। इसके साथ ही हम उपभोक्ता की बचत नाम और विनय की व्याख्या करते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।